नमस्कार, आपका अखबार के विशेष रविवारी संस्करण में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज बात करेंगे दो नेताओं की। दोनों भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और इत्तेफाक से दोनों पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। एक चुनावी राजनीति से रिटायर हो चुके हैं, दूसरे चुनावी राजनीति में भी हैं और उस समय केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं। दोनों में कुछ समानताएं हैं, लेकिन एक का जो राजनीतिक भविष्य हुआ उस रास्ते पर चलकर, क्या दूसरे का भी वही होगा? क्या उसी रास्ते पर है? इन दोनों नेताओं के नाम हैं डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी और नितिन गडकरी। डॉक्टर जोशी का जो हश्र हुआ, क्या नितिन गडकरी उस रास्ते पर जा रहे हैं या फिर उनका कोई दूसरा रास्ता होगा, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा कि किस तरह की समानता है दोनों में। डॉक्टर जोशी को 1991 में पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। उससे पहले का थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूं कि 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। गांधीवादी समाजवाद की विचारधारा को लेकर पार्टी चली। अटल बिहारी वाजपेयी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। 84 में पार्टी को सिर्फ लोकसभा चुनाव में 2 सीटें मिली, उसके बाद मंथन शुरू हुआ। यह तय हुआ कि पार्टी अपनी पुरानी विचारधारा पर लौट आए और एकात्म मानववाद को फिर से अपना लिया पार्टी ने। 1986 में अटल जी को हटाकर लालकृष्ण आडवाणी को पार्टी का अध्यक्ष बना दिया गया। 1988 में पालमपुर में हिमाचल प्रदेश के पार्टी का अधिवेशन हुआ। उसमें पहली बार यह प्रस्ताव पास हुआ कि पार्टी अयोध्या आंदोलन का समर्थन करती है। 1989 में वीपी सिंह की सरकार बन गई। 1990 में 25 सितंबर 1990 को गुजरात के सोमनाथ से लालकृष्ण आडवाणी की राम रथ यात्रा शुरू हुई, जो सोमनाथ से शुरू होकर अयोध्या तक जानी थी। बीच में बिहार में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उस समय लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे, केंद्र में वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे। बीजेपी ने समर्थन वापस ले लिया वीपी सिंह सरकार से, वो सरकार गिर गई। उसके बाद 1991 के चुनाव में बीजेपी को 121 सीटें मिली। लालकृष्ण आडवाणी पार्टी अध्यक्ष का पद छोड़कर लोकसभा में विपक्ष के नेता बन गए। अब पार्टी अध्यक्ष की बात थी, तो पार्टी अध्यक्ष के लिए ये तय हुआ कि भाई पार्टी अपनी जड़ों की ओर लौट रही है, विचारधारा की ओर लौट रही है, तो अपने कोर ग्रुप को ये संदेश जाना चाहिए कि ऐसे लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो डॉक्टर जोशी को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। वैसे भी इन तीन की जो त्रिमूर्ति थी उस समय, वो प्रोमिनेंट रूप से वही पार्टी में सब कुछ कर रही थी, तो उनको अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन 2 साल का उनका जो कार्यकाल था, उस कार्यकाल में इतने विवाद हुए और इस तरह से पार्टी चली और गुटबाजी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि पार्टी ने भी और संघ ने भी तय किया कि बस बहुत हो गया। तो डॉक्टर जोशी को दूसरा कार्यकाल नहीं मिला, उनको जो है 1993 में अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा। वैसे उससे पहले तक नियम था कि 2 साल का जब कार्यकाल था तो 2 टर्म मिलती थी, तो उनको दूसरा कार्यकाल नहीं मिला। अब समानता की बात जो मैं कर रहा था कि आप देखिए कि 2009 में लोकसभा चुनाव में लालकृष्ण आडवाणी को प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करके पार्टी ने चुनाव लड़ा, और 1991 के बाद सबसे खराब परफॉर्मेंस लोकसभा चुनाव में पार्टी की हुई। लालकृष्ण आडवाणी को हटाने का फैसला हो गया कि बस अब बहुत हो चुका है। उन्होंने पहले कहा कि वो लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता अब नहीं बनना चाहते हैं, लेकिन फिर उनका मन बदल गया। लेकिन संघ ने कहा कि नथिंग डूइंग, बहुत हो चुका, अब नहीं होगा। तो लोकसभा में सुषमा स्वराज को विपक्ष का नेता बनाया गया और राज्यसभा में अरुण जेटली को बनाया गया। अब बात आई पार्टी की कि पार्टी का अध्यक्ष कौन हो। तो जो दूसरी कतार के नेता थे बाकी, उनमें आपस में इतने झगड़े थे कि कोई एक नाम पर कोई सहमत नहीं होता। तो एक के बारे में फैसला होता था तो बाकी जो है टांग खींचने लगते थे। दूसरी बात यह महसूस किया गया कि 2004 के बाद से इन लोगों को इतना मौका मिला, किसी ने कुछ किया नहीं। तो संघ ने पहले संदेश भेजा गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर को, उनसे कहा गया कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाइए। उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा कि मैं गोवा छोड़कर नहीं आना चाहता, राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी मैं नहीं उठाना चाहता। उसी बीच उन्होंने एक बयान दे दिया था कि अचार पुराना हो जाए तो उसे फेंक देना चाहिए, सड़ जाता है। लोगों ने माना कि ये इशारा उनका जो है पार्टी में लालकृष्ण आडवाणी है और पुराने नेताओं की ओर है। खैर, बहुत विवाद हुआ और उसके बाद फिर जो है तय हुआ कि अब किसी और की तलाश हो। संघ ने तलाशा नितिन गडकरी।
नितिन गडकरी को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। वो जब शिवसेना भाजपा की सरकार थी तो उसमें पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, बहुत अच्छा काम किया था, प्रदेश के अध्यक्ष भी रह चुके थे, हालांकि कोई राष्ट्रीय जिम्मेदारी नहीं संभाली थी, युवा थे। तो ये हुआ कि इनको प्रोजेक्ट किया जाए, तो आगे जो है एक पीढ़ी परिवर्तन का जो सिलसिला शुरू हुआ है लोकसभा राज्यसभा में नेता बदलने के साथ, वो जो है आगे होगा। राज्यसभा में उस समय तक, मतलब अरुण जेटली के बनने से पहले तक, जसवंत सिंह थे विपक्ष के नेता, उनको भी हटा दिया गया। तो ये पूरी एक्सरसाइज पूरी हुई लोकसभा राज्यसभा में नेता और उसके बाद जो है पार्टी अध्यक्ष। लेकिन नितिन गडकरी के कार्यकाल में फिर विवाद हुए और बहुत सारे विवाद हुए। उनकी कंपनी को लेकर, उनके व्यापार को लेकर कई मुद्दे उठे, अखबारों में खबरें छपी। उसके अलावा, लेकिन वो मुद्दा नहीं है अभी, उस समय तक 2012 का गुजरात विधानसभा का चुनाव हो चुका था, नरेंद्र मोदी फिर से चुनकर आ चुके थे और ये स्पष्ट होने लगा था कि वो अब दिल्ली आना चाहते हैं। दिल्ली आना चाहते हैं मतलब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में आना चाहते हैं और 2014 का चुनाव उनको आगे करके लड़ा जाए। ये पार्टी में धीरे धीरे राय बनने लगी, संघ में भी एक बड़े वर्ग में बनने लगी। इस खबर से सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के बाहर जो लोग परेशान हुए, उनमें सबसे आगे थे नीतीश कुमार। वो जानना चाहते थे कि क्या ऐसा फैसला लेने जा रही है पार्टी, अगर ऐसा फैसला लेने जा रही है तो वो एनडीए से अलग हो जाएंगे। इसके लिए पक्का करने के लिए वो नितिन गडकरी से मिले, जो उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। ये 2013 की बात हो रही। नितिन गडकरी ने उनसे कहा कि जब तक मैं अध्यक्ष हूं, मैं नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बनने दूंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, प्रधानमंत्री पद का फैसला चुनाव के बाद होगा। नीतीश कुमार निश्चिंत हो गए कि ऐसा फैसला नहीं होने जा रहा। उसके बाद, उनसे बातचीत के बाद, नितिन गडकरी ने सार्वजनिक रूप से बयान दिया कि 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी किसी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश करके चुनाव नहीं लड़ेगी। तो मामला साफ लग रहा था, लेकिन फिर इतने विवाद के चलते ये हुआ कि इनको दूसरी टर्म नहीं दी जा सकती। इतना दबाव बन गया पार्टी के अंदर से, बाहर से, विपक्ष का, कि उनको दूसरा कार्यकाल नहीं मिला और फिर से राजनाथ सिंह अध्यक्ष बन गए। अब उस समय बीजेपी में स्थिति यह थी कि एक 160 क्लब था, बड़ा मशहूर था, सारे अखबारों में, मीडिया में उसकी चर्चा थी। 160 क्लब मतलब ये ऐसे नेता जो मानते थे कि बीजेपी को 2014 में 160 से 180 सीटें मिलेंगी। तो उनको लगता था कि अगर इतनी सीटें आएंगी तो उसके बाद और एलाइज की जरूरत पड़ेगी और जो नए एलाइज आएंगे वो नरेंद्र मोदी के नाम पर सहमत नहीं होंगे, तो इसलिए हमारा चांस है। तो उसमें उस 160 क्लब में वैसे तो बहुत से लोग थे, लेकिन जो जिनको लग रहा था कि वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं या बनना चाहिए, जिनकी महत्वाकांक्षा थी कि उनको लग रहा था कि स्ट्राइकिंग डिस्टेंस में है, उनमें नितिन गडकरी भी थे, उसमें लालकृष्ण आडवाणी भी थे, उसमें सुषमा स्वराज भी थी और उसमें राजनाथ सिंह भी थे, उस समय पार्टी के अध्यक्ष थे। लेकिन नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनने से न आडवाणी जी रोक पाए, न सुषमा स्वराज रोक पाई और न नितिन गडकरी रोक पाए, और राजनाथ सिंह ने इस बात को, उनको इस बात का एहसास हो गया कि वो रोक नहीं पाएंगे, तो वो साथ हो गए। लेकिन वो कहानी फिर कभी कि किसने किसने विरोध किया, कैसे विरोध किया, किसने समर्थन किया, फिर कैसे फैसला हुआ, ये सब किसी और दिन बताएंगे। बात कर रहा था मैं डॉक्टर जोशी और नितिन गडकरी की। तो आप देखिए कि 2014 में जब ये सब 160-180 क्लब जो है धराशायी हो गया और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए, तो ये उम्मीद की जा रही थी कि वो नितिन गडकरी, सुषमा स्वराज और अनंत कुमार, इन तीन लोगों को मंत्री नहीं बनाएंगे। उनको याद होगा कि इन लोगों ने क्या भूमिका निभाई थी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। उन्होंने सुषमा स्वराज को सीसीएस में लिया, जो सरकार की सबसे बड़ी नीति निर्धारक और सबसे प्रभावशाली कमेटी होती है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, उसका सदस्य बनाया। विदेश मंत्री उसका सदस्य होता है, उनको विदेश मंत्री बनाएंगे। नितिन गडकरी ने मिले नरेंद्र मोदी से, कहा कि अगर आप हमको मंत्री बनाने जा रहे हों तो मुझे ये विभाग दीजिएगा, ट्रांसपोर्ट और हाईवेज। महाराष्ट्र में उन्होंने काम किया था, उस समय चर्चा थी कि शायद उनको रेलवेज मिलेगा, लेकिन उनकी मर्जी के मुताबिक विभाग मिला
उसके अलावा भी विभाग दिया नरेंद्र मोदी ने, जिनको कहा जाता है कि बदला लेते हैं भूलते नहीं हैं, उन्होंने शिपिंग ट्रांसपोर्ट और पोर्ट का जो मंत्रालय है वो भी नितिन गडकरी को दिया। लेकिन 14 से आगे जब बात बढ़ी, 18 आते आते मोदी सरकार के खिलाफ कई जगह पर असंतोष, सरकार के खिलाफ मामले, विपक्ष की अति सक्रियता, राफेल का भी मामला आ गया था, उसी में आतंकवादी हमला हो गया जम्मू कश्मीर में, फिर 18 दिसंबर में पहले 17 दिसंबर में गुजरात का विधानसभा चुनाव हुआ, बीजेपी बड़ी मुश्किल से जीती, फिर 18 दिसंबर में राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ, तीनों जगह बीजेपी हार गई, सत्ता से बाहर हो गई, ये फिर से वो क्लब रिवाइव हो गया। उस समय जो है नितिन गडकरी फोरफ्रंट में थे, कहा जाने लगा, चर्चा होने लगी, मीडिया में भी आने लगा कि अब नितिन गडकरी जो है वो अगले प्रधानमंत्री होंगे, संघ जो है बदलाव चाहता है नेतृत्व में, और अगला जो चुनाव होगा मतलब 2019 का चुनाव, उसमें माना गया कि बीजेपी को बहुमत नहीं मिलेगा अपने दम पर, बीजेपी 200-220 तक रुक जाएगी, तो उस समय नरेंद्र मोदी फिर स्वीकार नहीं होंगे, वही थ्योरी फिर से चलने लगी। और उसमें बार बार जब इस तरह की बात होती थी तो कहा जाता था कि नितिन गडकरी संघ के कैंडिडेट हैं, संघ उनको आगे बढ़ा रहा है, संघ ऐसा चाहता है, कोई इस बात की किसी ने परवाह नहीं की कि संघ से भी कंफर्म करें कि ऐसा है नहीं है, लेकिन इस वातावरण को, इस माहौल को बनने दिया गया। अब उसके बाद देखिए कि लगातार प्रधानमंत्री के खिलाफ पार्टी के अंदर से खबरें बातें होने लगी और कई औद्योगिक घराने भी नितिन गडकरी के साथ हो गए, ये मानकर कि ये अगले प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं। हुआ क्या, 2019 का चुनाव आया तो ये सारे आकलन और ये सारी कोशिशें और ये जितने ये लड़ाकावीर थे सब ध्वस्त हो गए। पिछली बार से भी ज्यादा सीटों से और ज्यादा मतों से जीतकर नरेंद्र मोदी आए। फिर लोगों को लगा कि आप तो जो है नितिन गडकरी के पर जरूर कतरे जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद से जो कुछ शुरू हुआ, अब आप देखिए अभी जो हाल में पुनर्गठन हुआ है उसमें नितिन गडकरी के 2019 में उनसे शिपिंग ट्रांसपोर्ट ले लिया गया था और एमएसएमई का बहुत बड़ा विभाग, जो घोषणा थी प्रधानमंत्री की कि मैन्युफैक्चरिंग हब भारत को बनाएंगे, उसमें एमएसएमई का सबसे बड़ी भूमिका थी, रोजगार सबसे देता है, ज़्यादा देता है मंत्रालय, तो इस दृष्टि से माना गया कि उनका कद बढ़ा दिया गया। लेकिन अभी जो हाल में पुनर्गठन हुआ उसमें वो विभाग उनसे लेकर नारायण राणे को दे दिया गया, तो इसका संकेत समझिए, दोनों महाराष्ट्र के हैं, तो नितिन गडकरी का अगर आप देखेंगे तो कद और प्रभाव दोनों लगातार घटता जा रहा है। उनको लगता है कि उनको, आप देखिए कंसल्टेशंस जो प्रधानमंत्री के होते हैं, सलाह मशवरा होता है, उसमें भी उनकी भूमिका बहुत ही कम रहती है, वो सीमित हो गए हैं अपने मंत्रालय तक। तो अभी पुनर्गठन में जिस तरह से रविशंकर प्रसाद के साथ हुआ, जो डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ हुआ, जो प्रकाश जावड़ेकर के साथ हुआ, क्या नितिन गडकरी उसी रास्ते पर है? ये बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन इस सवाल का जवाब किसी के पास है नहीं। जो स्थिति इस समय नितिन गडकरी की पार्टी में है, सरकार में है, उससे लगता है कि उनका कद और रुतबा दोनों लगातार घट रहा है। तो क्या वो अपने स्वभाव में परिवर्तन लाएंगे या उनका स्वभाव ऐसा ही बना रहेगा? एक बात तो साफ नजर आ रही है कि जिस तरह से लाल कृष्ण आडवाणी को लगातार निपटाने, उनका कद घटाने, उनका प्रभाव कम करने की कोशिश में सारी ऊर्जा लगाई डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने और सफल नहीं हुए, वो बड़ी लाइन को छोटा करने के चक्कर में रहे, बड़ी लाइन कभी खींच नहीं पाए, वही स्थिति इस समय नितिन गडकरी की है। वो लगातार नरेंद्र मोदी को, और एक दिन की बात नहीं है, पीछे का छोड़ भी दें तो 2013 से लगातार इस कोशिश में रहे कि इस लाइन को छोटा कर दें, बड़ी लाइन खींचने की कोशिश वो भी नहीं कर पाए। तो
तो क्या डॉक्टर जोशी के रास्ते पर है नितिन गडकरी? अब इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है, ये मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं कि बता सकूं कि आगे भविष्य क्या होगा उनका। बहुत सी चीज़ राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता, कोई स्थायी दोस्त नहीं होता, कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता, कब कौन किससे मिल जाएगा, कौन किससे अलग हो जाएगा, कुछ पता नहीं होता। लेकिन निश्चित रूप से एक ट्रेंड दिख रहा है, एक समानता और उस और दिशा जो एक एक समान दिख रही है डॉक्टर जोशी के पॉलिटिकल करियर में और नितिन गडकरी के, वो मैंने आपके सामने रखा। अब आप अपना आकलन कीजिए कि आपको क्या लगता है कैसा होगा। लेकिन ये निश्चित रूप से कह सकते हैं कि नज़र रखिए, ये महत्वपूर्ण घटनाक्रम होगा। आज के अंक में बस इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। जाते जाते आपको ये ज़रूर याद दिला दें कि इस चैनल को अगर आप पसंद करते हैं तो इसे देखिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।